दोस्तों अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फोन है तो जरूर आप अपने फोन के बैटरी बैकअप से परेशान होंगे, लेकिन आज के बाद दोस्तों ये परेशानी भी आपकी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ट्रिक के साथ साथ एक ऐसा सीक्रेट कोड बताने वाला हूँ जिसे अगर आप सही से अपने फोन के अंदर अप्लाई कर लेते हैं तो आपके फोन का जो बैटरी बैकअप है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना कि कभी भी दोस्तों आपके एंड्रॉयड फोन में आपको बैटरी की कमी खलेगी ही नहीं। सोचो इतना ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिलने लगेगा कि कभी भी आपको लगेगा नहीं कि आपके फ़ोन में बैटरी की कमी हो रही है। तो बस आपको करना क्या होगा, जो ट्रिक और जो सीक्रेट कोड मैं आपको बताऊंगा उसे अपने फ़ोन के अंदर सही सही अप्लाई करना है जैसे जैसे मैं बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो सीक्रेट कोड वो ट्रिक कौन सा है तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो और कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले कुछ ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सीक्रेट कोड बताऊंगा जिसे बस आपको अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कभी भी बैटरी की कमी नहीं खलने वाली है, इतना ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ ट्रिक को अपने फ़ोन के अंदर आपको अप्लाई करना है, जिसके लिए आपको अपने फ़ोन का जो सेटिंग होता है इसे ओपन करना है। और सबसे पहला जो ट्रिक है उसके लिए दोस्तों आपको नीचे की तरफ चले आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा लोकेशन नाम से। अब यहाँ पर मैं आपको लोकेशन को बंद करने के लिए नहीं बोलूँगा दोस्तों, लेकिन इसी लोकेशन के अंदर एक ऐसा सीक्रेट सेटिंग है, एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक है जिससे आपको बंद करना है, जो पीठ पीछे मतलब कि आपके बैटरी को काफ़ी ज़्यादा ड्रेन करता है, कंज्यूम करता है, तो उसे आपको रोकना है। तो उसके लिए आपको लोकेशन सेटिंग को ओपन करना है और लोकेशन सर्विसेज के अंदर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक वाईफाई स्कैनिंग और एक ब्लूटूथ स्कैनिंग, ये दोस्तों यहाँ पर ऑन हुए हैं। अगर आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ और वाईफाई बंद करके रखेंगे ना तब भी दोस्तों ये हमेशा आपके फ़ोन के अंदर ऑन ही मिलेगा। जैसा कि आप देख लीजिए मैंने वाईफाई और ब्लूटूथ बंद कर दिया, लेकिन फिर भी दोस्तों ये ऑन ही मिलेगा। और ये ऑन इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों ये बैकग्राउंड में आपके फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा रन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कैन करते हैं, जिससे होता क्या है आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसे रोकने के लिए आपको बिंदास होके इन दोनों सेटिंग को यहाँ से बंद कर देना है। इससे कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो आपके फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर का ट्रिक आपको यहाँ पर ये वाला अप्लाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां से बैक कर देना है। बैक करने के बाद जो दूसरे नंबर का ट्रिक है उसे अपने फ़ोन में करने के लिए दोस्तों आपको आ जाना है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। और यहां पर दोस्तों आपको एडवांस सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पर दिया हुआ है फ्लैश नोटिफिकेशन, इसे आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है ऑन हो रखा है और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन भी ऑन हो रखा है। यानी कि दोस्तों होगा क्या, जब भी आपके फ़ोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके फ़ोन के अंदर ये जो फ्लैश लाइट है ये बार बार ब्लिंक होगा। जितना बार दोस्तों ब्लिंक होगा ना फ्लैश लाइट पीछे वाला, उतना ज़्यादा आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो कंज्यूम होगा। तो उसे रोकने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर वाला सेटिंग बंद करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन भी ऑन है, यानी कि दोस्तों आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है ये फ्लैश करेगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा। तो इसे भी दोस्तों आपको बंद कर देना है। जब आप अपना फ़ोन ऑन करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कौन कौन सा नोटिफिकेशन आया है ना। इसे ऑन करके रखने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में आपको ये दोनों सेटिंग यहाँ से बंद कर देना है। ये दूसरे नंबर का ट्रिक हो गया, जिसके बाद आपको यहाँ से पूरा का पूरा बैक करना है और वापस से दोस्तों आपको जो है मेन सेटिंग के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको तीसरे नंबर का ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसे आपको बंद करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स एंड सिंक कई फ़ोन में देखने को मिलेगा और अकाउंट्स एंड बैकअप कई फ़ोन में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपको अकाउंट के सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे सेटिंग देखने को मिल जाएंगे। तो आपको मैनेज अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक सेटिंग ऑन हो रखा है ऑटो सिंक डाटा, आप यहां पर देख सकते हैं। अब ये जो सेटिंग है अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके फ़ोन में ये सिंक होता रहेगा। ऑटोमेटिकली जब भी आप इंटरनेट चलाएंगे, जब भी वाईफाई चलाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड में जो है रन करता रहेगा, जिससे आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो काफ़ी तेज़ी से यूज़ होता है। तो उसे रोकने के लिए
इस सेटिंग को यहाँ से बंद कर देना है। जब आपको ज़रूरत हो तो मैनुअली आप इसे ऑन करके सिंक कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक पर इसे कभी भी मत रखना, नहीं तो दोस्तों आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा, समझ लो। तो ये तीसरे नंबर का ट्रिक आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, जिसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर फोर्थ नंबर का ट्रिक अप्लाई करना है, जिसके बाद मैं आपको पाँचवें नंबर पर सीक्रेट कोड बताऊँगा, ठीक है। पांचवें नंबर पर सीक्रेट कोड है तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले फोर्थ नंबर का ट्रिक आप यहां पर देख लीजिए। अभी जो फोर्थ नंबर का ट्रिक है दोस्तों, ये आपको एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर देखने को मिल जाता है, यानी कि जब आप अपने फ़ोन का सेटिंग ओपन करेंगे तो यहीं पर दोस्तों आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन का भी एक सेटिंग देखने को मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आप यहां पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको ओपन करना है। आपके फ़ोन के अंदर जितने एप्लीकेशन डाउनलोड होंगे वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक एक एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन करना है। ओपन करेंगे नीचे आना है और बैटरी वाला सेटिंग जो है ओपन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों ये अनरिस्ट्रिक्टेड पर सेट होगा, तो इसे आपको किस पर सेट करना है, ऑप्टिमाइज पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे दोस्तों आप इसे ऑप्टिमाइज पर सेट करेंगे ना, इन एप्लीकेशन को आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देगा, जिससे दोस्तों ये एकदम ना के बराबर आपके फ़ोन के बैटरी को कंज्यूम कर पाएंगे, समझो एकदम ना के बराबर। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन दिए हुए हैं ना, सबके साथ आपको करना है। जैसे कि आपने इस पर कर दिया, सभी एप्लीकेशन के साथ आपको करना है। इस पर भी हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं, बैटरी वाले सेटिंग के अंदर आना है, ऑप्टिमाइज पर इसे सेट कर देना है। ऐसा ही ये सेटिंग दोस्तों आपके फ़ोन में जितने एप्लीकेशन है सभी के साथ करना है। मैंने यहाँ पर दो एप्लीकेशन पर करके दिखा दिया है, सेम फॉलो करना है सभी एप्लीकेशन पर, ठीक है। ये हो गया फोर्थ नंबर का ट्रिक। अब दोस्तों मैं आपको फिफ्थ नंबर का ट्रिक है, यानी कि सीक्रेट कोड बताने जा रहा हूँ, जिसे आपको अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले डायलर पैड को आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पर स्टार है 0228 डायल कर लीजिए और लास्ट में आपको हैश डायल करना है। कोड ध्यान से देख लेना, ठीक है। जैसे आप लास्ट में हैश डायल करेंगे, ऑटोमेटिक एक सीक्रेट कैप यहां पर देख लीजिए, बैटरी स्टेटस करके एक सीक्रेट टैब ओपन हो जाता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों होगा क्या, मैं समझाता हूं। कई बार हमारे फ़ोन का जो बैटरी परसेंटेज होता है ना, ये इतना ज़्यादा, जो बैटरी स्टेटस भी जिसे आप बोल सकते हैं, जो बैटरी स्टेटस है वो इतना ज़्यादा गलत बताता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारा फ़ोन फुल चार्ज है या नहीं है। मतलब कि यहाँ पर शो होता है कि हमारा फ़ोन फुल चार्ज है और हमें यही लगता कि भाई हमारा फ़ोन फुल चार्ज है, और निकाल कर हम इसे जो है यूज़ करना शुरू करते हैं तो पता चलता है भाई बैटरी पूरा सपरचट हो गया, तुरंत ही ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया बैटरी। तो ऐसे में मतलब यह है कि आपके फ़ोन का जो बैटरी स्टेटस है वो एकदम गलत शो हो रहा है, तो उसे आपको फिर से सही करना है। तो फिर से सही करने के लिए यही सीक्रेट कोड का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो क्विक स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है, उसके बाद आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए। लॉक होने के बाद वापस से आपको अपने फ़ोन को जो है यहाँ से अनलॉक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन को अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारे फ़ोन का जो बैटरी परसेंटेज है वो बढ़ गया। पहले सोचो आप, हमारे फ़ोन का जो बैटरी परसेंटेज था वो 50% नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो 50% हो गया, यानी कि हमारे फ़ोन का जो बैटरी स्टेटस है वो गलत शो हो रहा था, समझ लो। इसी प्रकार से आपके फ़ोन के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसे आपको सही कर लेना है इस सीक्रेट कोड से। तो ये सीक्रेट कोड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। टोटल मैंने आपको यहाँ पर कितने ट्रिक बताए हैं, 5 ट्रिक बताए हैं। ये 5ों ट्रिक अगर आप अपने फ़ोन में सही से अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर बैटरी की कभी भी कमी नहीं खलेगी, इतना ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।